जितने भी लोगों ने कीटो किया है, आई एम श्योर एक चीज के लिए वो कीटो में तरस जाते हैं, दैट्स कीटो परांठा। कि परांठा कैसे खाएं, स्टफ्ड परांठे की फील कैसी आए। सो टुडे वी आर गोइंग टू मेक एवोकाडो कीटो परांठा। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन अ लिटिल कीटो आटा, ठीक है, ओके। आई एम गोइंग टू एड अ लिटिल सॉल्ट to this atta, a little jeera, thoda sa garam masala, and green dhaniya. अगर आपको अदरक लहसुन डालना है अपने टेस्ट के हिसाब से आप वो भी डाल सकते हो। एंड देन ये मैंने आधा एवोकाडो बीट किया हुआ है, इसको बीच में मिला दिया है टू मेक एवोकाडो परांठा, एंड दिस इज गोइंग टू कम आउट वेरी वेरी यमी एंड टेस्टी। अगर किसी को भी ग्रीन चिलीज डालनी है, ब्लैक पेपर डालना है, तो वो डाल सकता है। एंड देन थोड़े से पानी के साथ हम आटे को भून लेंगे ताकि हमारा परांठी के लिए एवोकाडो आटा तैयार हो जाए, राइट। सो अब ये आटा हमारा तैयार हो गया है, तो हम इसकी बना लेंगे परांठी। ये देख के इतना टेस्टी लग रहा है, आप लोग भी सोच रहे हो ना इसकी परांठी कैसी बनेगी, मैं भी सोच रही हूँ, ठीक है, बिकॉज आई एम ऑल सेट टू ईट दिस परांठी, ठीक है जी। सो हाय, तो अभी हमने आटा गूंदा है तो उसका पेड़ा बना लिया ऐसे छोटा सा। ये मैंने चकली पर बटर पेपर रखा है ताकि ये चिपके मत। थोड़ा से पानी में आई एम गोइंग टू यू नो जस्ट डिप माय वेट माय हैंड्स एंड मैं इसको हाथ से प्यार से परांठे के लिए बेल ले रही हूं। तो मैंने इसमें घी, कोकोनट ऑयल, देसी घी नहीं मिलाया है बिकॉज एवोकाडो में अपने आप इतना फैट होता है कि वी डोंट हैव टू, बट अगर आप मिलाना चाहो तो आप मिला सकते हो। अब ये बटर पेपर पे बनाने से क्या होता है ना, ये टूटती नहीं है और हम अच्छे से इसको थिन कर सकते हैं जितना भी हम करना चाहें। कई बार होता है ना मोटी मोटी रोटी पसंद नहीं आती है, तो ये बहुत ही प्यार से ऐसे बन जाती है। अब इस बटर पेपर को हम ले कोकोनट ऑयल साइड्स पे लगा देंगे जैसे हम नॉर्मल परांठा बनाते हैं। आई थिंक वी ऑल इंडियंस नो हाउ टू मेक स्टफ परांठा एंड आवर परांठाज आर गेटिंग रेडी। ये तो यमी तरह से पकने लग गया है एंड आई एम ऑलरेडी My mouth is watering and this is going to come out very, very, very delicious. Great. So make it, enjoy it and share your experience. How did you like the taste?